ये इसके पैर हैं और ये इसका धड़ है। ये जो भल्लाल देव की प्रतिमा बनाई गई थी उसी का है ये। देखो ये वाले हैं वो तीर। ये बाहुबली राजमाता, ये वाला दिखाया जाता भल्लाल देव का रथ। बेटा भल्ला उठा दे इसको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। अभी मैं पहुंचा हूं हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी के अंदर, और अभी हम जिस जगह पे पहुंचे हैं ये महासमती का साम्राज्य है जिसमें बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी, और बाहुबली दोनों फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की। मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये गेट है इनके, मतलब साम्राज्य में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए। तो आज हम इस बाहुबली का पूरा सेट आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको बता दें कि ये जो फिल्म है बाहुबली, ये यहाँ पे 600 दिन में शूट हुई थी, यानी 600 दिन यहाँ इसका शूट यहाँ पे चला था रामोजी फिल्म सिटी के अंदर। तो इसके अंदर पूरा सेट यहाँ पे लगा हुआ है, मेरे पीछे पूरा सेट है। तो अभी हम सेट की तरफ जाने वाले हैं, और यहाँ पे पूरा मानचित्र बना हुआ है साम्राज्य का कि किस तरह से इसको बनाया गया था। ये डॉन्ट लिखा हुआ है और ये पूरा साम्राज्य यहाँ पे बना हुआ है। इसी तरह का पूरा सेट यहाँ पे लगाया गया था, तैयार किया गया था। और कुछ यहाँ पे ढोल नगाड़े भी रखे हुए हैं। देखो ये यहाँ पे बड़े बड़े ढोल रखे हुए हैं जिनको फिल्म में बजाया गया था। तो ये इसका गेट है जिससे हम अभी एंट्री लेंगे, अंदर चलेंगे। वहाँ पे भी एक ढोल रखा हुआ है बजाने वाला, और चारों तरफ यहाँ पे बाहुबली के पोस्टर लगे हुए हैं। वहाँ पे एक घंटा है, घंटे को देखते हैं अभी। और हाँ, अगर आपने भी घंटा नहीं बजाया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटा ज़रूर बजा दें। ये घंटा है, इसमें गणेश भगवान की ये प्रतिमा सी लगी हुई है और घंटा ऐसे ही है, सेट है पूरा, क्योंकि अगर बजता तो टन टन करता, बज नहीं रहा है। अब इससे हम अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको। चलिए साम्राज्य की तरफ चलते हैं। फिल्म के अंदर कुछ इस प्रकार से सीन लिया गया है इन हाथियों का। ये जो हाथी आपको दिख रहे हैं इनका सीन लिया गया है फिल्म के अंदर। दोनों तरफ हाथी यहाँ पे गेट पे हैं। ये इसका एंट्री गेट है, और जहाँ पे हाथियों की प्रतिमा बनी हुई है, एक हाथी इधर है और दूसरा हाथी इधर है। और यहाँ पे ये ढोल नगाड़े रखे हुए हैं, बजते हैं क्या? प्लाई बोर्ड का है पूरा, ऊपर भी इस पर प्लाई बोर्ड लगा हुआ है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये एक नदी टाइप की बनाई गई है जिसमें मगरमच्छ पड़े हुए हैं। ओ भाई, ये तो मुंह फाड़े हुए हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं है, नदी सूख गई है पूरी। और ये है इसका साम्राज्य पूरा। वहाँ पे भी एक सेट है, उधर चलते हैं, वो वाला सेट दिखाते हैं पहले आपको, जहाँ पे शायद दरबार लगता था। नहीं, दरबार तो उधर लगता था उस साइड में, वो भी दिखाएंगे, पहले इसको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है, जो शिवलिंग दिखाया गया ना वो देखो यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको बाहुबली कंधे पे उठा के ले जाते हैं। और यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, मतलब मंदिर का पूरा नक्शा बना हुआ है, जिस हिसाब से यहाँ पे जो मंदिर का सेट बनाया गया था उसका नक्शा यहाँ पे देखो रखा हुआ है। ये एक सेट ऐसे करके बनाया गया था, और इसी के सामने देखो ये वाला जो पिलर है ना, इस पिलर के पास में देव सेना को रखा जाता है, जब उनको मतलब एक तहखाने में बंद करके रखा जाता है। तो वो जो तहखाना है वो सामने है, चलो उसको पहले तहखाने को दिखाते हैं आपको। इस पिलर के पास में देव सेना को रखा जाता है, यहाँ पे वो लकड़ियाँ भी निकलती हैं, लकड़ियाँ भी आज अभी भी पड़ी हैं वहाँ पे। देखो
ये देखो देवसेना का यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है जो इन बेड़ियों में मतलब जकड़ी हुई होती हैं। अच्छा बेड़ियाँ देखते हैं, ऑटो फेसियल हैं या ओरिजिनल हैं बेड़ियाँ? नहीं बेड़ियाँ तो ओरिजिनल हैं। ये हैं यहाँ पे देवसेना और इस जेल में इनको रखा जाता है, इस तहखाने में इनको रखा जाता है। इसमें अंदर घुस जाऊँ मैं, जेल में आ जाऊँ? हाँ अंदर घुसो। तो भाई अभी इन भाई बन गया देवसेना है। वो भाई बहुत भारी है यार, ये तो भाई साहब ये लोहे का है, इसको तो मोटो ऑफिशियल मन समझना। अभी मैं आजाद हो गया, बाहर निकल रहा हूँ भाई साहब। देवसेना बन गया भाई, उधर उधर लकड़ियां बटोरती थी ना देवसेना, और तहखाने के पास ही देवसेना जब लकड़ियां बीन के चिता तैयार करती हैं भल्लाल देव के लिए, तो इस जगह पे करती हैं। देखो यहाँ पे अभी भी लकड़ियां पड़ी हुई हैं, ये जो लकड़ी पड़ी हुई है ना इसी में वो मतलब लकड़ियों को इकट्ठा करती हैं। और इधर क्या है, ये शायद सिंहासन है, देखो ये वाला सिंहासन है। और ये वो सांड है जो भल्लाल देव जिनसे कुश्ती लड़ते हैं, ये पूरा सेट है यहाँ पे, मतलब वो कुश्ती लड़ते हैं। देखो वो वहाँ पे लगा हुआ है, एक सेकंड थोड़ा घूम के चलते हैं। यहाँ पे जो भल्लाल देव होते हैं इससे कुश्ती लड़ते हैं। देखो ये वाला सीन यहाँ पे लिया गया था, ये जो सीन है ना भल्लाल देव का वो यहाँ पे फिल्माया गया था इन साणों के साथ में। हाँ भैया भल्लाल देव की तरह दो दो हाथ करते हैं। बेटा बल्ला उठा दे इसको, क्या कर रहा, मारेगा क्या, पटक दिया तूने इसको। यार क्या था, सींग सींग हिला दिया तुमने भाई, ये तो उठेगा नहीं, टूट गया देखो। हाँ। ये वाला है, ये टूट गया। हाँ प्लास्टिक है, ये ऑटो फेसियल सांड है। और देखते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पे देखो ये जो ढाल वगैरह यूज की गई थी ना ये ढाल है, ये सारी ढाल है। और इस गाड़ी को यहाँ पे देखो इसको भी यूज किया गया है, जैसे वो अंकल है ना, अंकल हैं वहाँ पे जो बाहुबली हैं प्रभास, वो वहाँ पे मतलब रह के इसको आगे बढ़ा देते हैं। जब उनकी माँ जो अग्नि वाली प्रक्रिया करती हैं तब इसका सीन लिया जाता है, जब हाथी बिगड़ जाता है तो हाथी के आगे इसको खड़ा कर देते हैं और फिर हाथी इसको तोड़ देता है। देखो ये वाला सीन यहाँ पे फिल्माया गया था, वो लगा हुआ है ना, देखो ये वाला सीन जो है इसके साथ में फिल्माया गया था। मंदिर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक देखो शिवलिंग भी बना हुआ है, बहुत ही सुंदर शिवलिंग है, ये देख लो यहाँ पे। लेकिन ये क्या है कि ऑटो फेसियल होते हैं, इसमें आप चप्पल पहन के भी जा सकते हैं, ये वैसे ही है। और ऊपर चलते हैं इसके, इधर देखो यहाँ पे एक हाथी बैठा हुआ है, एक हाथी इधर बैठा हुआ है, अभी ऊपर चलते हैं इसके देखो। और वहाँ पे कुछ घंटे भी लगे हुए हैं, और इसकी ये सीढ़ियाँ हैं ना ये भी पूरी प्लाई बोर्ड की हैं, ये देखो। यहाँ पे अंकल देखो तलवार को चला रहा है, ಬನ್ನಿ ಸರ್ 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 ಬನ್ನಿ ಸರ್
दोस्तों ये वो दूरबीन है, जब को मतलब फोर्ड पे चढ़ाई कर दी जाती है तब इस दूरबीन से देखते हैं। और देखो ये वाला सीन यहाँ से लिया गया है, जब भल्लाल देव इस दूरबीन की मदद से देखता है, जब बाहुबली उसको देखता है तो वो इसी दूरबीन से देखता है। यहाँ से हम भी देखें, कुछ दिख रहा है क्या इसमें? हाँ देखो ये जो हीरे से लगे हुए हैं ना, ये हीरे से तो अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन इसमें से कुछ दिख रहा है क्या? वो झंडा दिख रहा है भाई साहब। दोस्तों ये एक हथियार रखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है। बाहुबली में दिखाया गया ऐसा है, ये देखो बाहुबली 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 की आवाज़ आ रही है। और कहाँ से कटप्पा चिल्ला रहा है भाई? अच्छा ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ये चिल्ला रहे हैं कटप्पा बाहुबली। कटप्पा और ये पूरा साम्राज्य दिखाया गया है। अच्छा इसके ऊपर होता है शायद उसका वो जो बैठने वाला सिंहासन होता ना, इसी के ऊपर दिखाया गया है वो। ये जो छतरी है इसके ऊपर उनका सिंहासन दिखाया गया है और उनका जो झंडा है वो ऊपर लहरा रहा है। ये उनके दरवान हैं भाई साहब। ये जो घोड़े बने हुए हैं ना बहुत ही मस्त लग रहे हैं। देखो यहाँ पे जो सीन फिल्माया गया ना वो अभी आपको पास चल के दिखाता हूँ मैं। वहाँ पे ये इन लोगों ने क्या है कि यहाँ पे फ़ोटो लगा दिए हैं जिससे समझ में आए कि कौन सा सीन कहाँ पे फिल्माया गया था। देखो यहाँ पे इनका ये सिंहासन लगा था, देख रहा है ना, जहाँ पे भल्लाल देव बैठता है जब राजा बनता है तब, वो वाला सीन यहाँ से लिया गया था। एक बार आपको दिखाता हूँ पूरा। इस जगह पे उनका सिंहासन होता है, ऊपर कुर्सी लगी हुई होती है उस पे ऊपर, तो वो सीन यहाँ से लिया गया था। दोस्तों ये वाली जो गाड़ी है ये भल्लाल देव का रथ है, जिसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि यहाँ पे मतलब लगी हुई थी, जिनको मतलब काटता हुआ जाता है, एक तलवार टाइप की जो लगी हुई थी इसमें। और इस टाइप के शायद दो तीन हैं यहाँ पे, क्या रथ रखे हुए हैं इस टाइप के? तीन रथ रखे हुए हैं यहाँ पे, और आगे एक वहाँ पे भी रखा हुआ है, उसमें शायद वो चक्री सी लगी हुई है। और ये वाला देखो यहाँ पे ये मतलब फव्वारा लगा हुआ है, अभी ये बंद है। वहाँ पे देखो एक सिंहासन पड़ा हुआ है ये बाहुबली। राजमाता गटप्पा और यहाँ पे सिंहासन रखा हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाला सीन यहाँ पे फिल्माया गया था, जब वो कहते हैं ना, जब वो छेड़ते हैं तब कहते हैं कि इसकी हाथ काट दिया जाता है, तब वो कहते हैं छेड़ने वाले का हाथ नहीं काटते हैं, काटते हैं उसकी गर्दन। वो वाला सीन यहाँ पे लिया गया था, यहाँ पे मतलब दरबार लगाया गया था, सिंहासन है ये वाला। और जो भल्लाल देव का एक रथ है, अभी मैंने उधर दिखाया था, एक रथ और आगे देखो है। देखो यहाँ पे एक ये फोटो लगा हुआ है। और ये है भल्लाल देव का रथ, जैसे हम उधर देख रहे थे ना, एक तो वहाँ पे रखा हुआ है और एक ये है, ये वाला दिखाया जाता भल्लाल देव का रथ, जिसमें ये वाली जो पंखड़ी है ना, जो मतलब सेना होती है उसके वो सर काटते जाते हैं, ये चलता हुआ जाता है और ये मतलब पंखा सा चलता है जिससे सेना जो दूसरे की होती है उसके सर कटते हैं, तो यही चलाया था भल्लाल देव ने। और वहाँ पे घंटा भी है, अगर कोई सूचना देनी हो तो उसके लिए वो घंटा बजाने वाला भी तो था, घंटा तो भाई दिखाया नहीं। वहाँ पे देखो एक घंटा भी लगा हुआ है। इसको शायद गटप्पा बजाता है, एक बार जब कोई दरबार लगता है तो गटप्पा इसको बजाता है घंटे को। फाइबर का है पूरा ये, प्लाई का ये, बजाओ आवाज ही नहीं कर रहा है।
और ये शायद इधर यहाँ पे देवसेना का सिंहासन बना हुआ है। देवसेना या वो राजमाता जो बैठती थी, हाँ ये वाला राजमाता का सिंहासन है। के अंदर चलते हैं, यहाँ पे शायद कोई सेट हो। वैसे बना हुआ है पूरा साम्राज्य की तरह, साम्राज्य की तरह बना हुआ है। तो वो वहाँ पे देखो वो तलवारें लगी हुई हैं पूरा उधर, हाँ यही तो होता है उनका प्रतीक चिन्ह। हाँ और इसको ना लाल पत्थर से बना है, इसको लाल पिलाई से। ओए भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो पूरा उजड़ा हुआ चमन है। हम गलत डायरेक्शन में चले गए थे, हम चले गए थे उस गेट से और इस गेट से हमें जाना है, तो शायद कुछ मिलेगा इधर। देखो यहाँ पे ये वाले सीन शूट किए गए हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको ये पेड़ों वाले, ये ग्रीन स्क्रीन लगा के इनको शूट किया गया है। और ये पूरा यहाँ पे मतलब जो सीन लिए गए ना, देखो ये ग्रीन स्क्रीन लगा के सारे सीन यहाँ पे फिल्माए गए हैं। यहाँ पे बाहुबली बिरयानी चैलेंज भी है, तो यहाँ पे आप आके और कुछ खा सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। और सामने यहीं पे भल्लाल देव रखे हुए हैं, जो बाहुबली में भल्लाल देव की प्रतिमा लगाई गई थी ना, वो प्रतिमा यहाँ पे टूटी हुई रखी है। ये तो इसके पैर हैं और ये इसका धड़ है। ये जो भल्लाल देव की प्रतिमा बनाई गई थी उसी का है ये प्रतिमा, वास्तव में बहुत ज़्यादा मतलब ऊँची बनाई गई थी जैसी फिल्म में दिखाई गई है। और देखा होगा आपने जब वो युद्ध होता है ना, तो एक जिससे तीर निकलते हैं वो गाड़ी एक होती है, देखो ये वाली वो गाड़ी है जिसमें अभी भी तीर लगे हुए हैं, इससे बहुत सारे तीर निकलते हैं एक बार में। देखो ये वाले हैं वो तीर। बेटा ये तीर है क्या, दिखाना ये वाला। अच्छा इसका ये निकल गया, ये निकल गया क्या। अच्छा ऐसे करके था, ये तीर निकलते हैं इस गाड़ी से। एक गाड़ी उधर भी खड़ी है ऐसे ही। हेलो, इस भल्लाल देव की प्रतिमा के पास, और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है बाहुबली दरबार, तो यहाँ पे बाहुबली का दरबार लगता था। और अभी क्या है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है जिसमें आप खा पी सकते हैं। चलते हैं अभी को थोड़ा बहुत यहाँ बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। चलो ये है बाहुबली का दरबार, लेकिन अभी यहाँ दरबार नहीं है, यहाँ पे खाने की व्यवस्था है। ये लिखा हुआ है देखो बाहुबली बिरयानी चैलेंज। वहाँ पे देखें क्या लगा हुआ है, ये यहाँ पे रखी हुई है बाहुबली की पोशाक, ये पहनी थी फिल्म में। ये बाहुबली बिरयानी चैलेंज में क्या है बता पाओगे? बाहुबली बिरयानी चैलेंज में क्या है? बाहुबली बिरयानी चैलेंज में आपको 1 kg 200 g राइस आएगा। कितना, 1 kg? 1 kg 200 g। 1 kg 200 g जी। और एक आपको एक चिकन आएगा, एक पूरा चिकन होगा जी, और 4 अंडा आएगा। 4 अंडा आएगा, 20 मिनट के अंदर खाना पड़ेगा। 20 मिनट के अंदर खाना पड़ेगा, पूरा खाना पड़ेगा। बाहुबली ड्रेस वाला, अच्छा फोटो को बॉल भी लगाया जाएगा। अभी तक किसी ने चैलेंज पूरा किया या नहीं किया? दो लोगों का फोटो लगाया उधर, दो आदमी। अच्छा अगर वैसे चैलेंज पूरा ना कर पाए तो इसकी कॉस्ट कितनी है?
950 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पे जो बिरयानी चैलेंज जो है 950 रुपये में बिरयानी मिलती है, उसका नाम है अमरेंद्र बाहुबली बिरयानी जो 950 की है, और दूसरी है महेंद्र बाहुबली बिरयानी जो 500 की है, तीसरी है देवसेना बिरयानी जो 750 की है, फिर शिवांगी बिरयानी जो 400 की है, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी, और कटप्पा बिरयानी भी है, नहीं कटप्पा भटूरा है जो 450 का है। बाहुबली दरबार है भाई पूरा। दोस्तों अभी आप बाहुबली फिल्म का पूरा सेट देख चुके हैं, यहाँ पे जितना जो सेट है मैंने पूरा आपको दिखा दिया है, और कुछ जो सीन है वो क्रोमा की में लिए जाते हैं यानी ग्रीन स्क्रीन में करके। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।